जमीन में बहुत मड में बहुत अच्छे कॉम्पोजिशन इसकी अगर देखी जाए तो इसमें ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जो बॉडी के जितनी भी बीमारियाँ बॉडी में होती है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं अब हम ब्रीफ हिस्ट्री पे जाएंगे कि मड थेरेपी का प्रचलन कहाँ से हुआ और किस तरह से मड थेरेपी को पूरे विश्व में आज मड थेरेपी अपनाई जाती है फर्स्ट ऑफ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मड थेरेपी फाइव एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मड थेरेपी डेफिनेशन ऑफ मड थेरेपी मर्ड कंटेंट एंड इस प्रॉपर्टी हाउ मर्ड वर्क एंड थेरेपिटिक मर्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन कितनी तरह से हम इसको टाइप अप्लीकेशन कर सकते हैं बॉडी में एंड बेनिफिट्स ऑफ मर्ट केस प्रपरेशंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मर्ड थेरेपी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये रिसर्च जो हुई थी ये इमैनुअल फ्लाट एक जर्मन थेरेपिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मर्ड को यूज किया पेशेंट के ऊपर और इन्होंने इसका नेम रखा क्ले रोस्टर इसके बाद इसको क्ले थेरेपी को बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया डे बाय डे इसको प्रचलित किया गया और इनका जो मेन इमानुअल जी का थॉट था कि एक हम क्ले से ही सारी डिजीजेस को कवर कर सकते हैं ओनली मड से और स्लीपिंग हैबिट की वजह से अर्थ से रिलेटेड और स्लीपिंग से प्रॉपर एट आवर्स की स्लीप और मड से हम पेशेंट्स की हर ट्रीटमेंट्स को कवर कर सकते हैं टिक पेशेंट्स जो इटालियन साइंटिस्ट थे उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स हॉट स्प्रिंग्स जहां पे पानी के झरने रहते हैं ये गर्म पानी कुदरती जमीन के अंदर से निकलता है उसके आस पास की जो मड रहती है वो रिच ऑफ एलिमेंट्स रहती है उसमें एल्क्रॉइड्स बहुत रिच क्वांटिटी में रहते हैं उस मर्ड को यूज़ किया अर्थराइटिक पेशेंट्स के ऊपर और दे गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट एट दैट टाइम सेवनटीन टू नाइनटीन सेंचुरीज तभी से मर्ड थेरेपी को प्रचलित जो है इसको किया गया मर्ड थेरेपी बिकम इन्हें पॉपुलर हुई है यूरोप में इन्हें क्रॉनिक डिजीज पे थेरेपिस्ट इसको यूज करने लगे और दे गॉट द रिजल्ट इन अ पेशेंट्स ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी इसके लिए फार्माकोलॉजी ऑफ द मड पे एक लिटरेचर्स लिखे गए इसको स्पार ट्रीटमेंट्स में अंदर लिया गया जो हमारी नेचुरोपैथी के फादर ऑफ नेचुरोपैथी हम जिसको बोलते हैं दैट इज़ ए महात्मा गांधी महात्मा गांधी ड्यूरिंग अपने स्टडीज़ जब साउथ अफ्रीका गए थे जब वो इंडिया उन्होंने देखा वहाँ पे लोग नेचर से कोई भी बीमारी हो जाती है तो वो मड को यूज़ करके या नेचर की चीज़ों को वाटर से एयर से किस तरह से लोग अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं उस टाइम वो इस ट्रीटमेंट को जब वो इंडिया लेके आए तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में लोगों को बताया कि हाउ वी कैन ट्रीट पेशेंट विथ मर्ड थेरेपीज़ सो मर्ड थेरेपी को इंडिया में भी यूज़ किया जाने लगा इन फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट इज़ हैविंग ए कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसके अब्डोमन पे मर्ड का लेप लगा दिया तो दे गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट उसके बाद उसको वाटर हॉट वाटर पिलाया गया देन

जिसको अप्लाई करने से वो बॉडी में एक सूथनिंग एजेंट देता है जैसे ब्लैक मड रहती है डेड सी मड है मूर मड है सिट सल्फाइड मड है पीट मड है हिल मड है इस तरह की मड्स रहती है जिनको पूरी बॉडी पे अप्लाई करने में वो बॉडी में सूथनिंग रिजल्ट देता है जो हम फाइव एलिमेंट्स देखते हैं फाइव एलिमेंट्स ऑफ अर्थ दैट इज स्पेस एयर फायर वाटर एंड मड थेरेपी फाइव एलिमेंट्स रहते हैं इन सब फाइव एलिमेंट्स को यूज करने से हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ मर्ड थेरेपी थेरेपी वॉज यूज एक्सटेंसिवली फॉर द रेमिडियल इन एनिशियन टाइम एलवेज द मिडल एज में यूज किया गया इन मॉडर्न टाइम इट अगेन कम इन टू द प्रोमिनेंस एज द वैल्यू थेरेपेटिक एजेंट्स अर्थ हैज रिमार्केबल हीलिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी अर्थ का मर् थेरेपी का बहुत ही रिमार्केबल इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर डेफिनेशन ऑफ मर्ड थेरेपी ट्रीटिंग डिजीजेज बाय यूजिंग मड इज कॉल्ड मर्ड थेरेपी जितनी भी डिजीज़ेस हैं उसको हम मड लगा के यूज करते हैं तो उसको थेरेपी बोला जाता है मड कंटेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज ए हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड प्लांट रेजिड्यूल विच इज द मेन रीजन फॉर इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज इन द अर्थ एलिमेंट सो द मट इज़ हैविंग ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मठ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है जो मठ को हम अप्लाई करते हैं तो उसमें उसके जो एल्क्इड्स रहते हैं वो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी हीलिंग के लिए हेल्प करते हैं मठ किस तरह से काम करती है मठ में जो उसका एक मॉइस्चर कंटेंट होता है मर्द जब भी लेते हैं तो काफ़ी डीप हमें मर्द लेनी होती है मर्द को लेने के बाद जब हम उसमें वाटर कंटेंट को मिक्स करते हैं तो वो एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करती है और ये रिलैक्स करती है हमारे स्किन को ओपन करती है हमारे पोर्स को हमारे स्किन के अंदर जितने भी ये हेयर फॉलिकल्स रहते हैं हेयर फॉलिकल्स के नीचे पोर रहते हैं जब हम मर्ट को अप्लाई करते हैं तो वहाँ के पोर जो है ये ओपन हो जाते हैं एंड दिस अलाउ टॉक्सेंस टू बी ड्रॉन आउट एट द सेम टाइम न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम मर्ट एज द मड राइज द स्किन इज टाइट एंड सर्कुलेशन ऑफ द मड एंड लिम्फ इज इंक्रीज जैसे जैसे हम मर्ट uh, को अप्लाई करेंगे तो ये जो टाइटनिंग हो जाएगी ये हमारी सर्कुलेशन ऑफ द मड को इंक्रीज करेगी लिम्फ को इंक्रीज करेगी इंक्रीज द सर्कुलेशन डिलीवर्ड न्यूट्रिय ऑल ओवर द बॉडी लाइक ऑक्सीजन अब हम थेरामेटिकली मर्ठ देखेंगे थेरामेटिक मर्ट किस तरह से काम करती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिपरेशन करनी है मर्ठ मर्ड को प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल यूज़ फॉर द मर्ड थेरेपी इज़ मोस्टली हम क्ले मुल्तानी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं उसको यूज़ किया जाता है या हम हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे वॉटरफॉल्स हैं या जहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स ग्रो कर रहे हैं हिमालयस की उसमें हिमाचल में या हिमालयस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ब्स रहते हैं वहाँ पे हम एक डीप गड्ढा खोदेंगे जिसमें तीन से चार फीट नीचे जाके उसमें से हम मर्ट को निकालेंगे कभी भी सुपरफिशली मर्ट को यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज उसमें बहुत ही बैड एल्क्इड्स या इन्फेक्शियस कंडीशन हो सकती है तो मर्ट जब भी हमने यूज़ करनी है मोस्टली जो है मुल्तानी मिट्टी यूज़ की जाती है अदरवाइज जहाँ पे हर्ब ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे हम तीन से चार फीट का गड्ढा खोदेंगे उसके नीचे से मर्ट को निकालेंगे उस मठ को यूज किया जाता है इंश्योर दैट द क्ले डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज लाइक कम्पोज और पेबल्स फर्स्ट वी हैव टू ड्राई इट अंडर द सन पहले हम इसको सन के अंदर ड्राई करेंगे किल करेंगे बैक्टीरियाज को देन वी हैव टू मिक्स हॉट वाटर इसमें गर्म पानी डालेंगे देन कूल cool करेंगे एंड सी देन दैट इट हैज ए कंसिस्टेंसी लाइक सॉफ्ट डोच की तरह काम करेगा इट शुड स्टिक एंड नॉट टू बी थिन इनफ टू स्लैड डाउन वेन यूज इन ए पैक ये हमारा स्टिक रहेगा और इतना सॉलिड रहेगा कि इसको हम पैक्स की तरह यूज कर सकते हैं मैं भी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी आपका क्लियर हो जाएगा जैसे मट को टाइट मर्ट को टाइट करके इसको हमने गूंधा है इसमें वाटर कंटेंट बहुत ही कम डाला तो ये टाइट हो जाएगी जैस लाइक ये पैक की तरह बन जाएगा जैसे देख रहे हैं आइस पे हमने डायरेक्ट मट का पैक दिया है और एबडामन पे पैक दिया है

ड्स में प्रॉब्लम है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है एबडामन की प्रॉब्लम है बर्निंग यूरिनेशन की प्रॉब्लम है उन कंडीशन में हम मर्ट को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं कवर इट विद सम प्रोटेक्टेड लाइक थिक क्लोथ इसके ऊपर हम कपड़ा एक डाल देंगे दिस पैक कैन बी रिमूव आफ्टर टेन टू थर्टी मिनट्स के बाद इस पैक को रिमूव कर दिया जाता है एंड कैट सिट अंडर सन लाइट और इवन फ्यू मिनट्स कुछ देर तक इसको सनलाइट्स के अंदर बिठा दिया जाता है ऐसे पेशेंट को मड कवर द होल बॉडी को कवर करेगा द क्ले इज ऑन द ह्यूज देन द क्ले इज रैप बॉडी क्ले को हम पूरी बॉडी पर रैप करेंगे दिस पैक इज फॉर टू आवर द पेशेंट शुड एक्सपोज टू द सन एंड लाइट पेशेंट को हम सन और लाइट दोनों चीजों का एक्सपोजर रहेगा अब बेनिफिट ऑफ मर्ट क्या रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टोर करता है प्रॉपर स्किन की पीएच को मेंटेन करके रखेगा इट हैज ऑल्सो एंटी इनफ्लामेटरी इफेक्ट रहेगा मड हैज एंटी एजिंग इफेक्ट ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है सूजन को कम करेगा हमारी बॉडी में एजिंग इफेक्ट को कम करेगा इट रिजनरेट हेल्थी स्किन मड हैज डिटॉक्सीफाइ एंड टॉनिंग इफेक्ट ऑन स्किन मड थेरेपी रिड्यूस पेन एंड एक जहाँ पे भी दर्द हो रही है एक्स हो रही है उसको रिड्यूज करेगा मर्ड थेरेपी रिलीव द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम मर्ड थेरेपी का जो मेन काम है हमें स्ट्रेस रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है इसको रिड्यूस करता है रिलीव करता है इंटरनल कंजेशन ऑफ द पेन्स को बेनिफिट ऑफ मर्ड क्या है इट हेल्प इन नेचुरल हार्मोन्स बैलेंसिंग ऑफ बॉडी हमारी बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स को बैलेंस करेगा ये प्रोवाइड करेगा हमारे रिलैक्सेशन ऑफ द आइज़ को प्रोवाइड करेगा ये बहुत सारी डिजीज जैसे स्किन डिजीजेज है सच एज लेप्रोसी है सोरियाज है इन डिजीजेज से हमारी बॉडी को रिकवर करेगा जनरलाइज्ड वीकनेस एंड नर्वस डिसऑर्डर आर ऑल्सो क्योर्ड किडनी डिस्ट्रॉयड किडनी डिसऑर्डर जितने भी हैं हमारी बॉडी में उसके लिए हेल्पफुल है रिमूव करेगा जितने भी टॉक्सिल्स है शरीर से को ट्यूबर्स को सारी चीजों को रिमूव करने में हेल्प करेगा गाउट कैन बी रिमूव अर्थराइटिसम अस्थमा एंड डायबिटिक एक्सेट्रा अब कॉन्ट्रा एंटीकेशन क्या हैं मड एप्लीकेशन यूजली इंक्लूड हार्ट कंडीशन एंड एमटीज ऑफ ब्लड प्रेशर थर्मल मड जो है ये ट्रीटमेंट करती इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विद एक्यूट पेन ड्यू टू एक कहीं पे भी अचानक से दर्द हो रही है एक्यूट पेन हो रहा है कोई सूजन की वजह से तो उसमें ये रिकवर करने में हमें हेल्प करेगा यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करेंगे वन इज़ ए ट्वेंटी ट्वेंटी टू ईयर्स की फ़ीमेल पेशेंट एंड ए वन केस स्टडी इज़ सिक्सटी एट ईयर्स के ये हमारे मेल पेशेंट हैं आ, ये आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इनको स्किन की प्रॉब्लम है तो पूरा ही मड़ लगा के इसको मड के डग बना के उसमें मड का लेपन कर दिया जाता है अदरवाइज इनको मड पैक भी दिया जा सकता है और दूसरी तरह से पूरे ही बॉडी को मड में डाल दिया जाता है इसको कुछ देर तक इस तरह से ड्राई किया जाएगा 20 टू 30 मिनट्स के लिए इनको सनबाद दिया जाएगा ताकि जितने भी टॉक्सिन फोर्स हैं वो हमारे ओपन हो जाए मड अपना एक्शन करे ये डरबिस के अंदर जाएगी और जितने भी हमारे कंटेंट्स हैं हमारे टॉक्सिस बॉडी के अंदर इकट्ठे हुए हैं उन टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालेगी तो ये पेन किलर्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मर थेरेपी से इवन अगर किसी को बर्निंग मिकचूरेशन हो रही है ये बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ गई है तो उसके लिए भी हम मर थेरेपी जब देते हैं तो दे विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इस तरह से हमें मर थेरेपीज में मिलते हैं सो स्टूडेंट्स मर्द का जो हम भी ट्रीट जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें देखना है कि मर्द को हम पूरी बॉडी पे कवर कर सकते हैं सेकेंड मर्द थेरेपीज में हम इस तरह के पैक्स बना के मर्द uh, में दे सकते हैं ऐसे आइस पे और यहाँ पे हमने पैक्स बनाए हैं तो दोनों ही तरह से हम मर्ड पैक या मर्ड बाथ की तरह पेशेंट को ट्रीटमेंट्स देख सकते हैं डिपेंड अपॉन आपके पास किस तरह के एरिया है और कहाँ पे हम मर्द थेरेपीज जो है पेशेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और इसको हमें जो मैक्सिमम टाइम तक रखना है दस से थर्टी मिनट्स टेन टू थर्टी मिनट्स तक रखना है टेन टू थर्टी मिनट्स के बाद इसको हमें निकाल देना है तब तक पेशेंट को हम सनलाइट में रखेंगे ताकि उनको विटामिन डी भी मिले और डर्बिस जो है हमारी जो पोर्स हैं वो भी ओपन हो जाए तो मर्ड थेरेपीज जो है ये हर तरह के डिजीजेज़ में काम करती है कहीं पे भी कोई इन्फ्लामेशन हो रही है या हमारी बॉडी में किसी तरह के टॉक्सिज इकट्ठे हैं उन सबको रिमूव करेगी बॉडी में डिटॉक्सीफिकेशन का काम करेगी सो so स्टूडेंट्स आपको मर्ड थेरेपी के लेक्चर में कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ शेयर करें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप टाइप करके बताइए और नेक्स्ट क्लास आपको किसके ऊपर चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर आप डिस्कस करें और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू